मकतूर फाकर के मुकदमा कत्ल के सिलसिले में पुलिस अभी तक अंधेरे में थी। पुलिस सबसे पहले दो पहलुओं पर तफ्तीश कर रही थी कि आया मकतूल कहीं डकैती के दौरान मुजाहमत पर तो नहीं कत्ल हुआ या किसी अंधी गोली का शिकार हुआ है। तहम चूँकि घर से कोई सामान गायब नहीं था, इसलिए पुलिस ने डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल के इम्कान को तो रद्द कर दिया। और अगले ही रोज़ जब मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि मकतूल को गोली 1 से 2 फुट के फासले से लगी है, जिसकी वजह से अंधी गोली के शिकार होने का इम्कान भी रद्द कर दिया गया। पुलिस ने जब मकतूल रफाकत की बेटी सबा का बयान रिकॉर्ड किया तो उसमें काफ़ी तजाद पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसके घर की निगरानी सख्त कर दी। इसके अलावा पुलिस ने जब अहले इलाका से बयान लिए और मकतूल और उसकी बेटी के मोबाइल फ़ोन का डाटा आया तो उससे पुलिस को एक नौजवान नवीद मलिक की निशानदेही हुई, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नवीद मलिक के घर चुंगी अमर सुदू छापा मार को उसे गिरफ्तार कर लिया। हाँ आप भी बताएगा या दोबारा भेजना पड़ेगा? साहब जी मैं तो पहले ही कहता था ये बर्गर बच्चे हैं, ये सिर्फ 2 छितरों की मार है। जी मलिक साहब अब क्या इरादा है? वो मैं सब कुछ बता दूंगा जी। और सब पता है मुझे, सिर्फ इतना बता रफाकत को गोली तुमने मारी है? साहब जी मैंने गोली नहीं मारी। पूरी बात बता पूरी, अगर मुंह से सच ना निकला ना तो जिस्म से चमड़ी उतार दूंगा तुम्हारी। साहब तो छेती दस जो कट रही इधर दोनों निकल जाएंगे, तू भी तो तेरी गल भी। साहब जी मेरा कसूर नहीं है, मैं तुझे सबा से प्यार करता हूँ। हाँ बेटी की मोहब्बत में बाप को मार दिया। साहब जी मैंने नहीं मारा, मैं तो सिर्फ क्या है क्या सिर्फ? साहब जी मैंने तो सिर्फ सबा की मदद की थी जी। क्या मदद की थी? पिस्टल उसके हाथ में पकड़ा कर ट्रैगर खुद दबाया था या निशाना उसने लिया था या सारे का सारा काम तूने खुद किया था? बोल, बोलता क्यों नहीं? साहब की पूछ रहे ने? साहब जी मैं तो कहता हूँ मैंने एक मौका दियो, तो सच तो निकल गया, यदि चमड़ी भी निकलनी चाहिए। साहब जी माफी दे दो, साहब जी मैंने कत्ल नहीं किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल रफाकत की बेटी सबा शुरू ही से मशकूक थी, क्योंकि उसके बयानात में तजाद, उसके फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड और अहले मल्ला के उसके किरदार के बारे में बयानात से तमाम चीज़ें उसे मुलज़म साबित कर रही थी। तहम पुलिस सिर्फ इसी वजह से एहतियात से काम ले रही थी कि मुलज़म नवीद मलिक होशियार होकर फरार ना हो जाए। चूँकि तमाम शवाहिद मुलज़मान के खिलाफ थे, इसलिए मुलज़म नवीद मलिक ने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे और वो सबा को स्कूल के ज़माने से ही पसंद करता था। सबा क्या बात, आज कोई बात नहीं करनी? मैं सोच रही हूँ आज के बाद क्या होगा। क्या होगा? और कुछ नहीं होगा, कॉलेज में दाखिला लेंगे, फिर पूरा दिन अपने कब्जे में होगा। कॉलेज तो तू जाएगा ना, मेरे बाप ने तो पता नहीं स्कूल कैसे पढ़ाया। ओ चल ठीक है, तूने भी पढ़कर क्या करना है? मलिक मैं संजीदा हूँ। कहना क्या चाहती हो? हम मिलेंगे कैसे? ऐसे ही मिलेंगे, और हमें मिलने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आज भी बहाना करके आई हूँ। और तुम क्या समझती हो, और हम कोई आखिरी बार मिल रहे हैं, इसका हल है मेरे पास। वो क्या? एक मिनट, ये पकड़ और इस पे राबता रखी और मिलने का कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेंगे। अगर मेरे बाप ने देख लिया तो? ओहो और दिल में एक चीज रख, बाप का खौफ या मेरी मोहब्बत? देख तुझे निकालना मेरे बस में नहीं है, अगर तूने ये मुझे दे दिया तो तू क्या करेगा? मैं जाके दूसरा ले लूंगा। अच्छा चल अब बहुत टाइम हो गया, चले। ओहो अभी 15 मिनट तो हुए हैं। नहीं नहीं बहुत देर हो गई है, चलो। ओए कहाँ जा रही है? अस्सलामुअलैकुम।
इस तरह स्कूल से फारो होने के बाद भी मुलजम मलक नवीद और सबा का आपस में मिलना जुलना था। ये वैल्यूज जो हैं हमारे माशरे की, जो तौर तरीके रहे हैं अब तक, जो लड़का लड़की के दरमियान जो भी एक रिवायती तरीकों से हम देखते हैं, एक तो ये कि वो रिवायतें टूट रही हैं। मुलजम मलक नवीद ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि उसने सबा के एक महल्लेदार नौजवान अब्बास को अपना दोस्त बना लिया था। उससे मिलने के बहाने वो इलाके में आता जाता रहता था, जबकि सबा घर से किसी सहेली से मिलने का बहाना करके नवीद मलक को मिलने के लिए जाती थी। उनकी ये मुलाकातों का सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहा। समी किधर चलना? रफीकुल जा, उन्होंने कहा पाइन अब्बास कह रहे एक सिगरेट का पैकेट दे, मेरे खाते से लिखवा दी हैं, जल्दी आई। ओए और भी बास ओ यार, अभी क्या हाल है? ठीक है बैठ। किधर पढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ भी हो रही हैं कि बस लफंड रही हैं? और पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और बाप के पास बड़ा पैसा है। हाँ जी हाँ, बाप कमाई। यार बास, लड़की तो बड़ी प्यारी है, पर है कौन? मलक तोबा कर तोबा, ये बड़ी अथरी घोड़ी है। और क्यों करंट मारती है? करंट 444 का मारती है। ओ यार वैसे अथरी घोड़ी पे भी काठी डालना किसी किसी का काम है यार। ओ हाँ यार, मुझे काम याद आया, मैं जरा चला। मलक काठी डालने तो नहीं जा रहा? नहीं यार, नहीं। ओ आ मेरा शेर, ये दिखवा देने थे उसको, दिखवा दिए, चल जा। सबा ड्राइंग दिया, कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर कर दी? अब्बास इतना अच्छा लड़का नहीं है, इससे ज्यादा दोस्ती ना बनाओ, सारे मोहल्ले का वारा लड़का है वो। तू जानती है मैं कौन सा उसके लिए आता हूँ, पर कभी कभी लैला के लिए लैला के कुत्ते से भी प्यार करना पड़ जाता है। उसे शक नहीं हुआ? मैं शक होने देता हूँ, वैसे कर तेरी बुराई रहा था, पर अपने लिए वो भी तेरी खूबी है ना। क्या कह रहा था वो? कहना क्या है, कहता है मोहल्ले की सबसे अथरी घोड़ी है। अभी इन जैसे आवारा को घास डालना शुरू कर दूँ ना, तो सबा सारे मोहल्ले की अच्छी हो जाए। तूने कुछ नहीं कहा उसे? मैंने कहा था अथरी में हमारी जान है। तूने कह दिया उसे? मैंने कहा था दिल में। अच्छा बाइक किधर है? बाइक दूसरी गली में। जल्दी कर, देर हो रही है। हाँ, खड़ी। तू मरवाएगा आज। चलो चलो। जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, तो मुस्तकबिल का प्लान करते हैं। इश्क एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी बनाने का प्लान करते हैं। अब इस प्लान में इस वैल्यू का आना कि वो छुप छुप के मिलती थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, पढ़ लिख रही थी, एक ऐसा घराना था जो कोई इतना कंजर्वेटिव नहीं था, वो हम कह सकते हैं कि तालीमी लिहाज से एक बड़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट थी। अब उसका इश्क में मुब्तला होना या मोहब्बत में मुब्तला होना और उस शख्स के साथ अपने मुस्तकबिल का प्लान करना, ये एक ऐसा अमल है जो समझ में आ रहा है कि बाप अप्रूव नहीं कर सकते या नहीं किया उन्होंने।
मेरे अपने ज़ाती ख्याल में माँ का इस मौके पे एक ख़ास रोल होना चाहिए था, उसका एक किरदार होना चाहिए था, एक समझबूझ वाला किरदार जो बेटी और बाप के दरमियान एक एक ब्रिज बनाती कम्युनिकेशन का, बातचीत का। एक तो हमें इस चीज़ की मिसिंग इस रोल में नज़र आती है, इस कहानी में नज़र आती है कि माँ ने अपना क्या किरदार अदा किया।